हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 1 सितंबर 2023। अभी कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास, ओवरनाइट सेंटीमेंट जो चेंज हुई, जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि निफ्टी अगस्त में अराउंड 2.5% डाउन रहा एज़ कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस 5 मंथ्स, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त में निफ्टी 2.5% नेगेटिव पे रहा। अगली न्यूज़ आती है इंडिया जीडीपी को लेकर। कल इवनिंग में इंडिया जीडीपी का डेटा रिलीज हुआ जो 7.8% आया, जो कि बेटर है, इसलिए हम मार्केट को पॉजिटिव ही वैसे देखेंगे। अभी कुछ डेटा के बारे में जान लेते हैं जो लाइव मार्केट में रिलीज्ड होने वाला है, जो कि हमारी ट्रेडिंग के लिए इम्पैक्ट डाल सकता है। लाइक आज 10:30 पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होने वाला है ना, तो हो सकता है उससे मार्केट में एक इम्पैक्ट आ जाए। अगर आप यूएस मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं कैसा रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, आप इसको देख सकते हैं। एक और अपडेट है यूएस से रिलेटेड कि आज हमारे यहाँ फ्राइडे है, तो आज रात को यूएस का जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा और मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी रिलीज होने वाला है, तो जो भी लोग पोजिशनल कैरी करते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सेफली ट्राई करिए। चलिए हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं, एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं और निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। सोप से कैसे भी आपको स्क्रीन देख रहे होगी, सबसे पहले हम लेटेस्ट एफआईडीआई का डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी देखेंगे। डेटा में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, इसलिए ध्यान से सुनना। अभी देखो यहाँ पे कॉल एंड पुट का डेटा अपडेटेड है, ऑब्वियसली हमको नेगेटिव दिख रहा है। अगर हम बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मार्केट मतलब हमको नेगेटिव ही शो हो रहा है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड में आएंगे तो मेरे को आपको ये शो करना है। सबसे पहले देखो स्टॉक्स हैं जो एफआईआई ने सेलिंग की है, डीआईआई ने बाइंग की, बहुत हैवी बाइंग की है, ठीक है, क्योंकि ये बाय ऑन डिप ही करते हैं यार, इनको जब भी स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं बाय कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे तो भाई जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा की है यार, मतलब इसको अगर हम राउंड फिगर में लें तो 2500 करोड़ की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी में सबसे ज़्यादा की गई है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी 44,000 पे होल्ड कर रहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे नीचे डेटा में, डीआईआई की बाइंग है, एफआईआई की सेलिंग है, ठीक है, ये कैश मार्केट का बता रहा हूँ, ये वाला कैश मार्केट है। उसके बाद यहाँ पे चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा, तो भाई ये तो एक इम्पैक्टफुल डेटा है हमारे लिए। चलिए अभी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आप अपलोडेड है चैनल पे। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है डेटा, ऑप्शन चेन में ये दिख रहा है कि भाई 19,250 पे मेजर सपोर्ट है, 19,300 पे मेजर रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर्स ने ये दो पोजीशंस लेके गए, मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी की या मंथली एक्सपायरी की ना वो बना के रखी, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी है। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा निफ्टी पे, कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा वो जीडीपी डेटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर मार्केट कहीं 19,300 ब्रेक करता है ना मॉर्निंग में, यहाँ पे साइडवेज ओपन होने के बाद, तो यार हो सकता है कि हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए, इन सबका एसएल ट्रिगर हो, ये लोग भागे, फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट ये पर्सपेक्टिव है जीडीपी के बेस पे। अगर मार्केट नेगेटिव जाना चालू किया तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, और ये जो निफ्टी जिस लेवल पे सपोर्ट है भाई बहुत सही है ना, अगर इस लेवल से निफ्टी नीचे गया, ये 19,250 आपको दिख रहा होगा ना, 19,200 इसके समझ लो नीचे ये गया, तो फिर बहुत लंबा फॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं है। इसके नीचे आपको देख, अगर मैं दिखाऊँ डे टाइम फ्रेम पर, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये देखो डे टाइम फ्रेम पे, जस्ट अ मिनट गाइस, तो ये देखो डे टाइम फ्रेम पे कितना बड़ा गैप है हमारे पास, इतना बड़ा है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली ही आप निफ्टी में ट्रेड करिएगा। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। सो ऐसी मेहनत के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।